अब यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई है, तो बुआ जी कह रही है कि मुझे पता होती तो मैं तो नीचे खाना खा लेती। सही बात, बिल्कुल। बुआ जी को इतनी ज्यादा भूख लग, बुआ जी ज्यादा भूख लग रही है, तेज भूख लगी है सच में। पहाड़ों पे आए और खाली पेट रो, फायदा क्या है, फिर से तो घर पे जाए। किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से। अच्छा ट्रैफिक, मुझे लगा क्या भैया का नाम लोगे। ये तुम्हारा व्लॉगर जो है हमारे बीच में लड़ाई करवा रहा है, होटल बना चाह रहा है। वैसे वैसे ही लड़ाई कर रहे हो आप लोग तो, कम से आप इनको कर रहे हो। गलती किसी की नहीं है, ये ट्रैफिक की। आज नहीं, एक्सट्रीम ट्रैफिक है, एक्सट्रीम। सैटरडे संडे की वजह से ट्रैफिक हो रहा है ना बहुत ज्यादा, उसकी वजह से होता है। लेकिन आज ना कुछ मतलब पता चलेगा आगे दिक्कत क्या हुई, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। मतलब दिक्कत देख के भी क्या ही कर लेंगे हम, ये बारे में हम क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि जो तो जाम में तो वैसे भी रुक रहे हैं। अब यू तो नहीं कि वहां रुक के हम जल्दी से चले जाएंगे, टाइम पीछे हो जाएगा, टाइम मशीन में चले जाएंगे। हाँ सहना तो पड़ेगा भाई, जब इतनी दूर आए हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक घंटा और सही। चलिए कोई बात नहीं, दो घंटे तो वैसे ही हो गए हैं। टम्पू चल रहा है साइड में बड़े बड़े, इनको तो देख देख के मुझे डर लग रहा है कि अपने ऊपर ना आ जाएं ये। नहीं ऐसे नहीं होगा। ये राफ्टिंग हो रही है इधर भाई, सब बड़े ही जबरदस्त पानी, कितना साफ है यहाँ का, पी सकते हो उस तुम्हारे को। भाई ब्लू इतना दिख रहा है, वो ब्लू कलर से भी ज्यादा ब्लू है। ये तो बात है, क्या बात है। कब करेंगे राफ्टिंग फिर हम? राफ्टिंग के लिए भी आएंगे, जल्दी आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे, नॉट दिस टाइम। सारे लौंडे आएंगे, सारे लौंडे आएंगे, सारे लौंडे। मम्मी पापा को क्या राफ्टिंग कराएं इस बार? हाँ, क्या ही करें, फिर वो बाहर बैठेंगे अकेले, हम लोग करेंगे, इसलिए राफ्टिंग अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगेगा, हाँ तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। बाकी अगली बार जब आएंगे, जब दो तीन गाड़ी भर के आएंगे, सारे ही लड़के लड़के आएंगे, सारे कजन्स आएंगे, सारे कजन्स आएंगे, और जब करेंगे मस्तियाँ यहाँ पे बड़ी तगड़ी तरीके से। ये जो अभी बैरिकेड था यहाँ पे, चेकिंग होती है यहाँ पे, मतलब अपना लिकर लाना वही अलाउड नहीं है, अब हो गया। और जितने भी लिकर शॉप है यहाँ पे, बिल्कुल ऋषिकेश के आउटर लिमिट्स में, जैसे कि यहाँ पे सिटी के अंदर ऋषिकेश में ना ठेका है और ना ही अलाउड है। अच्छा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखे है, मतलब कि वो शराब वगैरह लानी मना है यहाँ पे। लाते हैं लोग, देखो मना है, लेकिन लाते हैं लोग, उसके लिए कभी कभार चेकिंग हो जाती है, बस ये चीज और कुछ नहीं। बाकी भाई देखो, रूल बनते हैं तो तोड़ने के लिए, रूल बनते हैं तोड़ने के लिए, तो वही वाली बात है बस। और कुछ तो ऐसे जिसमें बोट पलट जाती है, और यहाँ के जो गाइड होते हैं ना, उन्होंने नाम रख रखे हैं इनके, इन रैपिड्स के नाम रख रखे हैं, रैपिड्स कहते हैं इसको। इनको रैपिड बोलते हैं, जहाँ पे बड़ी टर्बुलेंट सी वेव बनती है और एकदम से स्पीड में हो जाती है, मोशन में हो जाती है। बहुत ही शानदार, मतलब राफ्टिंग तो अलग ही मजा है। राफ्टिंग तो सही में बहुत अलग ही मजा है, जैसे देखने से पता लग रहा है ना मेरे को भी। कराएंगे तो कभी कराएंगे राफ्टिंग। अगली बार पर सारे भाई बहन आएंगे, मतलब भाई बहन नहीं, मतलब भाई भाई आएंगे, सारे कजन सारे नहीं, बहनों भी ले आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी बात ठीक है, ले आएंगे भाई बंशेरी, गुस्सा मत करियो, सुना है मेरे को। हाँ बात हो गई, बार बार बोल रहा सारे भाई भाई आएंगे, यही ज्यादा बोल रहा है, यही ज्यादा बोल रहा है। दीदी याद जरूर कर रहा हूँ, मैं तेरे को ध्यान रखियो, मैंने पहले बोला लाने के लिए। और सुन, अब की बार मेरे ब्लॉग में तू नहीं है, और तन्नु मैंने पहले बोला है। मेरे को ये बोल रही थी, कहते कि भाई मुझे ना कोई बोल रहा था कि मैं हर्षित मैं दीदी को ब्लॉग में अपनी जानबूझ के लेता हूँ, मनशे जी को। मैं भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है, कहती किसी ने बोला है। मैं कहा चल ठीक है, मैं भाई अब की बार देख, तेरे बिना ब्लॉग बन रहा है ये, तू क्या सोचते तेरे बिना ब्लॉग नहीं बनेंगे। अरे भाई है मेरे साथ, मेरे बड़े भाई। तो गाइस, हमारा रिजॉर्ट आ चुका है, हमारा रिजॉर्ट आ चुका है, जो कि अभी एंट्रेंस कर रहे हैं, भाई ने बताया है अभी ये। ओ, 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 क्या बात है, सस्ती ऑफ रोडिंग हो गई भाई साहब। कट तो यही दिखा रहा भैया। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छी अच्छी वाइब आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा, मतलब साइड में नदी चल रही है, वही भाई फुल मौज आने वाली है। जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश तो आई भाई, वो डैडी का कैश है ना। हाँ डैडी का कैश है, इसलिए तो ऐसा आएगी। अपना होता तो फिर लेते भाई हल्का सा कमरा। हाँ वही है, वही 1500 रुपए का, 800 रुपए का रुकते और फिर गायब हो जाते हैं। भाई मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होगा ना मौज, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी तो पार्टी बाकी है, पार्टी बाकी है, ऊपर से हम लोगों को पार्टी दी है। और सबसे मेन बात तो यह है, मुझे अभी जाके पता लगा कि लक्की भाई का बर्थडे है कल। लक्की भाई बर्थडे आपका? हाँ जी भाई। तो क्या गिफ्ट दे रहे हो, तो बता दो यार। गिफ्ट लूंगा तुम लोगों को। अच्छा सरप्राइज है सबके लिए। तो ये तो तो चलो अभी थोड़ी सी हम ना गाड़ी वाड़ी लगवा लेते हैं, गाड़ी गाड़ी पार्क करने के बाद बाकी कुछ में मिलते हैं हम लोग।
बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग होगी भाई, ये तो सस्ती ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग तो हमने करी स्पीति में, डिजायर से अपनी आइटम तो हम पता नहीं कहाँ चढ़ा देंगे। ये बर्थडे बॉय खड़ा है, इसको निकाल दे गाड़ी से। हाँ भाई, कहाँ जाना है आपको? अच्छा, देख लिया मैंने, देख लिया। डर नहीं, क्या था ये लोकेशन? अबे भाई लोकेशन ही आपने क्या कर दिया लोकेशन का? लोकेशन बहुत बहुत जन्नत लोकेशन है ब्रो, बड़ा सोच समझ के बुकिंग करी है तेरे भाई ने। प्लानर ऐसी थोड़ी बोलते हैं यार, पहाड़ी पहाड़ प्लानर, डीप प्लानर। ये तो मुझे लग रहा है क्या, ये बट मुझे सरप्राइज दिया जा रहा है यहाँ पे तो। कह रहा सब लोगों को पता है कि मुझे नहीं बताया किसी ने भी। भाई सब पहाड़ी पहाड़ी, ये देखो एक बार व्यू देखो गाइस आप, इधर पहाड़, सामने पहाड़, ऊपर पहाड़ और पीछे की तरफ भी पहाड़ी होंगे। अभी तो गाड़ी में बैठ के मैं इतनी खुशी सी हो रही है, जब मैं यहाँ से उतरूंगा तो क्या होगा यार, इतना कुछ कर रखा है भाई ने। पर जैनवन भाई एक नंबर, रिजॉर्ट और देख लेते हैं एक बार कि रिजॉर्ट कैसा है, फिर बाकी मजा तो उसमें भी आएगा क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है हमारी बुआ जी को। मुझे भूख लगी है। बाद में घूमेंगे, बाद में दिखाएंगे सारे व्यू। हाँ, बाकी व्यू जितने भी सारी चीज दिखाएंगे, पहले रिजॉर्ट में जाना है, पहले थोड़ा बहुत जो थकान हो रही है वो थकान उतारनी है क्योंकि भाई भी बहुत थक चुके हैं, भाई जब से गाड़ी चला रहे हैं। वैसे थकते तो है नहीं अपने भाई। भाई रिजॉर्ट कौन सा वाला है अपना? गंगा जी कह रहे वाले डायलॉग है ना कि गंगा जी क्या नाले में कुदा दिया, कभी मुझे नाले में नाला नहीं है, छोटी गंगा बोल के नाले। हाँ, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। बड़ी गंगा है, छोटी गंगा बोल के बड़ी गंगा कुदा दिया। भाई हिमनी वाली रिसोर्ट आ गई है? पता नहीं मैं आगे कुदा। अच्छा अच्छा, सॉरी भाई सॉरी, आगे बोर्ड बंदे भटके हुए हैं यहाँ पे, बस मैं ना भटक गया क्योंकि भाई मेरा बहुत मन लग गया। अच्छा भाई, थैंक गॉड यहीं पे गाइस, ये मुझे दिख गया यहाँ पे बोर्ड कौन सा है, हिम रिवर रिसोर्ट। चलो मतलब यहीं पे ही है, कहीं और जगह नहीं है, जो कि यूँ नहीं कि मतलब यहाँ से वापस हमें जाना पड़े कि यार ये नहीं था, और मेरा मन प्यास हो जाए कि यार काश उधर की तरफ रिजॉर्ट होता। तो अब इधर की तरफ ही रिजॉर्ट है, और मतलब कितना मजा आने वाला है ये देखो, पत्थर देखो यार आप, लोकेशन देखो, लोकेशन भाई लोकेशन के बस क्या ही बताऊं मैं, लोकेशन के तो आप 10 में से 100 नंबर मेरी तरफ से, 100 ही नंबर भाई। इतना मजा आ गया लोकेशन देख के, अभी बस मतलब थकान भी उतर गई इस चीज देख के। जैसे कि आप लोगों को मैंने व्यू तो दिखाई दिया है कि भाई ने क्या बढ़िया जगह, बढ़िया लोकेशन पे जो अपना रिजॉर्ट बुक किया है, तो अब देखने के लिए जा रहे हैं कि जो रूम है वो भाई बोल रहा है कि एक बार रूम देख के आ जाते हैं अंदर की तरफ से। तो जो ये भाई था अपने साथ, ये लेके जा रहा है अपने को। पर यार सही में जतिन भाई लव यू, दिल जीत लिया यार आपने कसम से, मतलब जो ये लोकेशन करी है ना भाई ने, अल्टीमेट भाई एक नंबर। मतलब जितने भी मेरे भाई बहन जो भी अभी लोग देख रहे हैं ना, वो भी क्या कहेगा भाई साहब क्या बढ़िया लोकेशन पे क्या है जो भाई ने बुक किया है ना, एक नंबर भाई, बहुत मज़ा आ गया मेरे को। ये देखो पूरा मतलब पार्क टाइप का बना हुआ है, बैठने बैठने में उधर की तरफ रिवर साइड है, मतलब अभी खाना खा के बाकी रूम आ गया, रूम देख लेते हैं। तो बस फाइनली अभी हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं, गाड़ी भी बंद कर दिया, फ्लैट भी देख लिया हमने, तो अब खाना खाने की बारी आ गई, खाना डाल चुके हैं, खाना मैं दिखा देता हूँ। ये अरे लक्की भैया तो स्टार्ट हो गए, क्या बात है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है बुआ जी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऊपर ने स्टार्ट कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस देखो रोटी है, चावल है, और मैं प्याज अपने लिए आया हूँ, और ये है राजमा की सब्जी, और ये है पनीर की सब्जी, और रायता भी है साथ ही में। तो अब देखो जतिन भैया का ढूंढ रहे हो, जतिन भैया अभी गए हुए हैं आगे की तरफ है, मतलब कि कोई आईडी वाईडी दे रहे थे वहाँ के लिए। तो अब देखो भूख बहुत तेज लग रही है, रुका नहीं जा रहा है, पहले खा लेते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, आपको रूम भी दिखाना है, सारी चीज़ करनी है। तो पहले आप खा लेते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद काम पूजा, ठीक है।
तो गाइस फाइनली सब लोगों ने खाना खा लिया है और सबके पेट भर गया, सबके चेहरे पे स्माइल अलग तरह की। सबसे पहले इनके चेहरे का स्माइल देख लो, कुबा जी को स्माइल दिखाओ अपनी एक बार। ये वही है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, ये वही है जो कह रहे थे कुबा जी, कुबा जी कहते ना भूख लग रही, भूख लग रही है, अब चेहरे पे स्माइल आ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई नहीं है। खाना देख लो, प्लेट सब चीज हो गया, खाली हो गया सबकी, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा है, भर भर के खाया सबने। ये देखो ये वो बंदे जिनका कल बर्थडे है। तो ये गौर से देखिए सिंधान को, कल 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 इसी बंदे का जन्मदिन है और इस भाई ने सबसे पहले खाना शुरू किया था, सबसे ज्यादा एंड में उठाया, देख रहे हो भाई, हो गया पेट बिल्कुल पूरी तरह हो गया अपना। तो अब क्या करना है भाई, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं पहले, अच्छा खासा ड्राइव करके आए हैं, थोड़ा ड्राइव प्लान करते हैं, बाद की बात देखी जाएगी, अभी पहले रेस्ट करना है पहले। तो भाई देखो अभी रेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि भूत हम लोगों का बन चुका है, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद यार आधा एक घंटा ना थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना चाहिए शरीर, फिर बाद में जो भी करें राफ्टिंग करें, राफ्टिंग तो वैसे होगी नहीं, घूमने फिरने के लिए भैया कह रहे हैं वैसे, तो बने रहो व्लॉग में आगे तक। तो गाइस ये हमारा फ्लैट है, देख लीजिए ये बेड आ गया पूरा यहाँ पे, ये विंडो एक यहाँ पे, एंट्रेंस यहाँ पे लग गया भाई। फ्लैट कैसा है? बढ़िया। ये लगाओ एसी अपना 3 स्टार का, और ये रहा तुम्हारा भाई स्मार्टी भाई, और ये कवर पूरी खाली है, इसके अंदर मैं आऊँगा अभी, और ये सिस्टम अय है, बात ही अलग है मेरी तो, है ना, क्या कह रहे हो भाई, मतलब क्या ही कहने मेरे। ये लगे भाई क्या क्या लग रहे हैं ना दोनों भाई, आगे देखो और शीशे में क्या तगड़े आ रहे हैं। अच्छा गीजर की जरूरत, अरे गीजर क्यों चला रखा है वैसे? तो वैसे देख लो अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे मैं नहाऊंगा, वैसे यहाँ पे तो तुम्हारा भाई नहाएगा नहीं, वैसे नहाएगा सीधा उस रिवर में ही। तो ये अपना कमरा है पूरा का पूरा, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, और ये केटल भी दे दिए है, और ये क्या क्या दे रखा भाई, तो चलो घर ले जाऊंगा, घर को काम आ जाएंगी, जितने भाई को कहता हूँ। और ये बोटल वोटल किस चीज़ के लिए दे रखी यार, कैसी कैसी बोटल दे रखी यार इन लोगों ने। चलो पर कोई बात नहीं यार, फ्लैट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अब देखो ऐसा है, मैं पहले शीशे के सामने तुमसे बात करता हूँ, जो शीशे के सामने खड़े होकर ना तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये है कि चेंज करके थोड़ी देर आराम से रेस्ट करेंगे, फिर बाद में जब थकान उतर जाएगी ना, सबसे पहले तो भैया बोल रहे हैं कि नीलकंठ भी जाना है, तो नीलकंठ का देखते हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया मतलब सुबह सुबह निकल जाएंगे ना तो वो बढ़िया रहेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इतनी कोई भी ठंड नहीं है, मतलब पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है देख लो आप। तो अब का फिलहाल यार ये है रेस्ट करने दो, रेस्ट करने के बाद उठेंगे जो भी करेंगे, कैमरा मेरे पास है उठा के स्टार्ट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फोन में भी बैटरी कम है तो फोन चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। तो गाइस कोई अगर मेरा भाई बंधु हो तो, अगर किसी को यहाँ प्लॉट खरीदना होता है, प्लॉट खाली है, प्लॉट कट रहे हैं यहाँ पे, तो फिर प्लॉट ले लेना भाई, है ना। तो देखो एक प्लॉट तो याला भी खाली पड़ा है, तो अभी तो जतिन भैया बोल रहे थे कि प्लॉट लेने के लिए, तो प्लॉट की भी बात करेंगे भी जल्दी, यहीं पे ही अपना एक छोटा सा ऐसा ही विला बना लेंगे, और यहीं मतलब एक अपना फार्म हाउस टाइप का है, यहीं बस जाएंगे। तो भैया ने कह दिया तो कह दिया, अब यहीं बस जाएंगे, क्योंकि भाई मुझे हो गया इस जगह से प्यार, देख रहे हो यार, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे मेरे आस पास ऊपर नीचे, और इस जगह मैं हूँ, क्या बढ़िया, मतलब एक नंबर भाई, मतलब जितनी तारीफ करूँ ना इस जगह की तो उतनी ही कम है। बाकी जिन भाई ने करा भाई, मैं तो उनकी तारीफ करता रहूँगा घर जाने तक की। जतिन भाई थैंक यू सो मच भाई, मुझे तो पार्टी शुरू हुई, पार्टी तो ठीक है, पर जो ये लोकेशन आपने करी है ना भाई, मजा आ गया इस लोकेशन में भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो देखो जैसे भाई ने बोल दिया कि अभी पार्टी शुरू हुई है, तो अभी हकीकत में ही पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मतलब अब ये नहीं पता कि हमको मैं हम कितने दिन यहाँ पे रुकेंगे, कितने दिन नहीं रुकेंगे, हमको खुद नहीं पता, हम बस घर से आ गए हैं, बस यही है। और हमारी बुआ जी अब बस अब तो चेहरे पे स्माइल खत्म ही नहीं हो रही, जैसे पेट भर गया है बुआ जी का। भाई पहले भी कहा है ना बड़े बुजुर्गों ने कि पहले पे बाद में काम दूँ, भाई घूमना फिरना तो लगा रहेगा, एक्चुअली तो भाई 3 दिन तक यहीं पे है। तो ये बताओ, तो ये बताओ हम दिल्ली में थोड़ी है, आपको इस चीज की वो करनी चाहिए थी ना भाई, जब तक खाना नहीं था चेहरे पे ऐसा गुस्सा आ रहा था, बुआ जी भी कह रहे थे खाना आते चेहरे पे स्माइल जा ही नहीं रही बुआ जी के, देख लो स्माइल बिल्कुल नहीं जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने इतनी अच्छी लोकेशन ढूंढी है यहाँ पे मेरे लिए, बहुत प्यारी लोकेशन है, मैं लोकेशन सच में बहुत प्यार हो गया, सच में तो बहुत बढ़िया लोकेशन है। वाईफाई कनेक्ट कर लो सब। हम लोग भाई कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए, जो साइट सीइंग करने जा रहे हैं अभी। तो ऋषिकेश घूमने के लिए जा रहे हैं, जो ये देख लो कि हम सारे भाई मतलब तीनों भाई तैयार हो चुके हैं पूरे, ये देख लो
ऑल सेट हो रखे हैं। जितने भाई बस हो रहे हैं कि मैं और लक्की भाई हो चुके हैं, भाई मेरा भी देखो कम थोड़ी होंगे इससे, तो ये देख लीजिए। और फूफा जी भी हमारे रेडी हो चुके हैं, फूफा जी भी आ गए। फूफा जी को पता लग गया कि भाई कैमरा चालू हो गया, तो आ जाते हैं फूफा जी। फूफा जी रेडी हो, बिल्कुल फूफा जी भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब ऐसा है कि भाई कमरा तो ऐसी फैला रहने दो, क्यों भैया कमरा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कमरा यही आना। तो रात को पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे कि नाइट आउट ही रहेगा। वैसे यार घर दिल्ली में थोड़ी है, बाहर आ रखे हैं, तो आज पूरी रात भर बाहर रहेंगे। और जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि यार भूल गया मैं, देख ले स्पेशल आ गई हमारी बुआ जी, तो बोल रहे हैं कि भाई मैं भी तैयार हो गई। बुआ जी बहुत बढ़िया लग रहे हो आप। और बाकी हाँ, तो मैं एक चीज़ और दिखा दूँ अपने ना, ये जो मेरे जो यूट्यूब वाले हैं ना, इनको मैं पसंद हूँ ऐसे ऐसे करके, ये ऐसा देखना पसंद करते हैं मेरे को। ये देख रहा लग रहा तुम्हारा भाई कैडा, ये एक नंबर ना, ये वाला शीशा और भी अच्छा है ये, है ना। चलो अब ऐसा है कि तैयार हो चुके हैं सब लोग, गाड़ी तो नीचे खड़ी हुई है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधे ही, जैसे भाई बोल रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब ऋषिकेश में, मुझे पता नहीं है यहाँ जगह, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर मतलब दिल्ली की भी मुझे सारी चीज़ें नहीं पता है, अपने जहाँ मैं गाँव में रहता हूँ उसकी चीज़ें भी मुझे पता नहीं है। तो भाई जा रहे हैं बड़े भैया, और ये बता दो कि मेरी जो बर्फ पर मेरी टी शर्ट कैसे लग रही है, वाइट कलर की, सिंपल सी बात है, कमेंट तो कर ही देना, बाकी तो बात तो लगे। और ये देख लो जीन्स, और नीचे ये पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको, रेडी हो चुके हैं, तो गाड़ी में पहुँच के आपसे बात करता हूँ। तो गाइस ये देख लीजिए, बहुत ऊंची चढ़ाई है इधर की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची, तो गाड़ी चलाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारी गाड़ी भी पीछे की तरफ खड़ी हुई है, जितने भैया गाड़ी में बैठे हुए हैं, बुआ जी फूफा जी, तो अब ये ब्रेजा वाले भाई ये ट्राई कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। फाइनली भाई ने गाड़ी चला ली है। क्या बात है, हमारे डॉक्टर जतिन सागर ने फाइनली दो अटेम्प्ट के बाद गाड़ी निकाल ली है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। स्मृति याद आ गई मेरे को, तीनों 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 शूट लिया, तीनों शूट बार मुझसे गलती होगी जो मुझसे पहले हो रही थी स्मृति में। अच्छा ब्रेक नहीं, वो छूट रही थी, ब्रेक गलत मार रहे थे यहाँ के, ब्रेक नहीं स्पीड टूट रही थी। अच्छा स्पीड टूट रही थी, चलो चलो चलो। अभी हम लोग आए थे त्रिवेदी घाट, तो इसकी भाई बोल रहे थे कि आरती मतलब आरती लेनी है, बहुत अच्छी आरती होती है, तो हम लोग यहाँ पे आए तो आ रहे थे, और इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था, वो आरती हमसे मिस हो गई आज,
मतलब भाई भी बता रहे थे मतलब बहुत बड़ी आरती होती है, मतलब काफी बड़ी, मतलब मैंने मतलब कुछ कुछ पार्ट मैंने लिए हैं। हम जैसे आए थे तो आरती चली रही थी, थोड़ी सी आरती बची हुई थी, पर आरती मतलब पूरी ले नहीं पाए, जो हमारा बहुत मन था। अब देखते हैं कि कल तक रुकेंगे नहीं रुकेंगे, बट वो आरती हमको लेनी बहुत ज़रूरी थी, बट जो नहीं ले पाए, अब जैसे भगवान की इच्छा, क्या कर सकते हैं। आप लोगों को जो मैंने अभी कृष्णा मिष्ठान भंडार दिखाया है, ये मतलब ऋषिकेश का सबसे फेमस है, मतलब इसके यहाँ के जो जितनी भी चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मतलब गोलगप्पे ले लो, टिक्की ले लो, भले पापड़ी, मतलब कुछ भी हो, मतलब एक नंबर। हमने भी खाया था, उसकी मैं क्लिप बना नहीं पाया, मैं भूल गया क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी खाने के चक्कर में। अभी फिलहाल ये लिए रेडबुल, तो इसको पियेंगे, थोड़ा सा हजमा करेंगे, बाकी तो अभी पूरी रात बाकी है, क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी लक्की भैया, जतिन भैया तो अपने साथ में ही है, फुल मौज हो रही है, और अभी मौज ही मौज बाकी है, अभी तो अपनी फुल मौज होगी। तो गाइस हम लोग अभी लक्ष्मण झूले पे आए हुए हैं, तो लक्ष्मण झूले पे देखो कि मैं क्या दिखाया है, ये देखो लक्ष्मण झूले पे मेरे को दिख गई जेसीबी की खुदाई, देख रहे हो, मतलब लक्ष्मण झूले पे मेरे को जेसीबी की खुदाई मिल रही है। लक्ष्मण झूले में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है, ये मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लक्ष्मण झूले पे, मतलब बेसिकली ऐसे मान लो मतलब जैसे अपनी छतरपुर मंदिर में भीड़ लगती है ना, वैसे लाइन बन के चल रहे हैं यहाँ पे लोग। पर बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया बना हुआ है लक्ष्मण झूला, बहुत मज़ा आ गया, पहली बार मैंने देखा हुआ है, मतलब पहली बार देखा है मतलब मैंने, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, एकदम बढ़िया। मतलब भाई बुआ जी और भाई तो उधर की तरफ चले गए, बट मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ गया क्योंकि मेरे को जेसीबी की खुदाई जो यहाँ पे देखने को मिल गई थी, यही मैं आप लोग को बता रहा था। बुआ जी अब मैंने आपको झूले पे झुला दिया, गुस्सा तो नहीं हो ना? क्या मैंने आप, मैंने आपको झूले पे झुला दिया? नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, पहले गुस्सा आ रहा था जब आपको झुलाया। अच्छा अब मजा आया ना? अब मुझे बहुत अच्छा। बुआ जी कैसा लगा? अरे क्या बात है भाई, पुपा जी के लिए स्लाइस लेके आए थे, मतलब फ्रूट ही लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते, बिल्कुल भी सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बुआ जी मतलब टाइम भी ज्यादा हो गया है, आप सीधा घर की तरफ भी चलते हैं ना? ओके बाय बाय कर दो, एक बार बाय बाय कर दो। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने लक्ष्मण झूला घूम लिया है, मैंने आपको उसके वीडियोज भी दिखाए थे, वहाँ पे खाना वाना तो हो ही गया था। बाकी आप लोग हम निकल चुके हैं, भैया हैं लक्की भैया ऊपर जी पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अब सीधा अपने रिजॉर्ट पे, वहाँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया, 9 बज चुके हैं। तो खाना खा के आज मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी है, थक गए हैं सब लोग। हाँ भैया हिम्मत है? बिल्कुल थक गए हैं, हिम्मत तो बहुत है। हाँ हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत की कमी नहीं है, हिम्मत बिल्कुल कमी है, लेकिन थक जरूर है। ऊपर जी थक गए आज? आज के लिए बहुत थकान हो गई है, अभी बस ऐसा मन कर रहा है खाना खाया और फिर सो जाए, बस हालत तो सबकी आज ऐसी हो रखी है, मतलब कि खाना खाया सो जाओ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना है कि हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं लक्ष्मण झूला से, तो अब रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, रिजॉर्ट के पहुंचने के बाद खाना वाना खाएंगे, खाना खाने के बाद इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, तो अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत देखते रहिए। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैं आ चुका हूँ रिजॉर्ट पे, मतलब अभी बाहर की तरफ ही है कि अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने बेसिकली अब इस कैमरा यहाँ पे इसलिए ऑन किया है कि आपको एक मतलब आवाज़ सुनाने के लिए, तो आवाज़ को फील करना और ध्यान से सुनना, अभी मैं मतलब बैक कैमरा करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। अपने झरने की कितनी तेज तेज आवाज़ आ रही है, बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है भाई साहब को, तो कितना मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब रात को ये चीज़ सुन रहे हैं, बहुत मतलब डर भी लग रहा है और मतलब मज़ा भी आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई मेरे को तो, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मतलब चलो भाई कहीं पहाड़ों वहाड़ों में आए हैं, मतलब ठंड सी लग रही है, मतलब थोड़ी सी ऐसी, मैं टी शर्ट में भी जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ओहो 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 नीचे मैं गलत जगह आ गया, वो जी उधर से जाना उधर से, तो अभी मैं सीधा रिजॉर्ट पर पहुँच के आपको मैं मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, अभी तो जतिन भैया लक्की भैया आए नहीं है, वो बाहर की तरफ है, मैं बहुत भाई मैं तो फ्लैट के अंदर आ गया, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो आपका प्लान भाई ऐसा है कि अब तो देखो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, तो अभी आते आते एक डिसाइड हुआ है कि भाई एक छोटी सी पार्टी भी रखनी है हमको, कि जो लक्की भाई का कल बर्थडे है, तो भाई कल का तो पूरा कल के ब्लॉग में आएगा, बाकी जो अभी का है ना, जो अभी हम सेलिब्रेट करेंगे रात को, उसका मैं कुछ भी नहीं डालूंगा यार कुछ भी, क्योंकि भाई बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल कैमरा पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, एक तो कपड़ों में,
जीन्स इतनी मैं पहनता नहीं हूँ, आज मैंने जीन्स पहन लिया तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो ना, मैं लेटा हुआ बिल्कुल बेड पे, मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कमर सीधी करके मैं आपसे बात भी कर लूँ, बट बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुका हूँ। मैं ही क्या, मतलब बुआ जी फूफा जी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। डिनर लग गया है, डिनर जाके खाना, पहले हाथ मुँह धो लेते हैं। डिनर का भी मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी बस उठना है, फेस वॉश करता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, फिर निकल जाता हूँ डिनर करके सीधा भाई के साथ, जो भाई बोल रहे हैं कि आज रात को पार्टी करनी है। तो अभी की टाइम आप देख लो, 9:50 हो चुके हैं, 9:50 हो चुके हैं, तो अभी 2 घंटे, आधा घंटा हमको खाना खाने में लगेगा, तो मतलब 1 घंटा हम रेस्ट कर लेंगे कम से कम। फिर भाई का मतलब बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, लक्की भाई का बर्थडे है। तो जैसे कि आप हैं, अब आपने अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया है मेरा, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और बेल आइकन को साथ साथ दबा दिया करो, क्योंकि भाई जो भी मैं व्लॉग डालूंगा ना आपको उस पर आ जाएगा, क्योंकि आप तो देख लो व्लॉग साथ साथ आ रहे हैं, बट ये वाला जो व्लॉग डाल रहा हूँ ये कल आ जाएगा। ये मैंने कम्युनिटी टैब पे भी बोल दिया है, स्टेटस पे भी बोल दिया है, हर जगह मैंने बोल दिया है। तो इस ब्लॉग के लिए मैं जल्दी से जल्दी तैयारी करूंगा, क्योंकि आज रात को मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग मेरे को पोस्ट करना है, तो पोस्ट करना है। भाई ने, जतिन भैया ने मेरे को टास्क दिया है कि भाई तेरे को कल ये वाला ब्लॉग डालना है 12 बजे तक। मैं कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं कहा मैं डाल दूंगा। अब मैंने बोल तो दिया, पर अब मैं घर आया हूँ ना, अब ऐसी हालत हो रही है कि भाई यार सो जा यार, सच में यार बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत हो रखी है। पर यार कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तो व्लॉग में डाल दूंगा। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल मुझे वो क्या कहते हैं उसको, इजाज़त तो, परमिशन तो, जो भी है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए बाय बाय, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब चीज़ कर देना जो आपका मन करे, और कमेंट जरूर करके जाना कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।